हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ पनीर चिल्ली। ये पाव किलो पनीर मैंने 4 से 5 हरी मिर्च, ग्रीन चिल्ली, विनेगर, सोया सॉस, रेड चिल्ली, टमाटो सॉस, गार्लिक 5 से 6, अदरक, 2 प्याज, 1 शिमला मिर्च। ये पाव किलो पनीर है, इसमें मैं लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ 1 स्पून, 1/2 टीस्पून नमक, आपको जितना नमक चाहिए आप उतना नमक डाल सकते हैं। कॉर्नफ्लावर 2 स्पून, और हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसे हमें इस तरह से मिक्स करना है। अब हम फ्राई करेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं जो आप खाते हैं। इसे हमें लाइट ब्राउन करना है, बहुत ही ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। देखिए, हमें इस तरह से फ्राई करना है। शिमला मिर्च को इस तरह से कट कर लें। प्याज को भी हमें इस तरह से कट करना है। 1 छोटा स्पून कॉर्नफ्लावर 1/2 बाटी पानी में मिक्स कर लें। ऑयल गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें डालूँगी गार्लिक कटा हुआ। इस तरह से कटिंग कर लें। गैस को हमें लो फ्लेम पर रखना है और 1 मिनट तक इसे हमें फ्राई करना है। हमें इसे बहुत ज़्यादा ब्राउन भी नहीं करना है। अब मैं इसमें डालूंगी चॉप किया हुआ अदरक। अदरक को भी हम फ्राई कर लेंगे। गैस को हमें लो फ्लेम पर रखना है। अब मैं इसमें डालूंगी कटा हुआ प्याज। प्याज को भी हम 1 या 2 मिनट फ्राई कर लेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। गैस को लो फ्लेम पर रखकर अब मैं इसमें डालूंगी हरी मिर्च। मिर्च को आप इस तरह से भी कटिंग कर सकते हैं। अगर आप बारीक बारीक खाना चाहते हैं तो बारीक भी कटिंग करके डाल सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ रेड चिल्ली। सोया सॉस, टमाटो सॉस, विनेगर, हमें इसमें बहुत ज़्यादा सोया सॉस नहीं डालना है, नहीं तो ये खट्टा हो जाएगा। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और हम इसमें डाल रहे हैं ग्रीन चिल्ली, 2 से 3 मिनट हम इसे फ्राई कर लेंगे। ये मैं डाल रही हूँ 1 कप पानी। पानी हमारा बॉईल हो चुका है, अब मैं इसमें डालूंगी फ्राई किया हुआ पनीर। हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। गैस को हाई फ्लेम पर करना है ताकि इसमें 1 या 2 उबाल आ जाए।
कॉर्नफ्लावर को हमें इस तरह से मिक्स करना है क्योंकि ये नीचे की तरफ बैठ जाता है, पानी ऊपर आ जाता है, तो इस तरह से मिक्स करके आप डालें। मैं बहुत ज़्यादा कॉर्नफ्लावर नहीं डाल रही हूँ। हमें इसे 2-3 मिनट इस तरह से मिक्स कर लेना है, गैस को लो फ्लेम पर करना है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक स्वाद अनुसार, आपको जितना नमक चाहिए आप उतना नमक डाल सकते हैं। अब मैं इसे ढककर पकाऊंगी 2 मिनट तक, ताकि ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। देखिए ड्राई हो चुका है, काफ़ी अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है। बहुत झटपट बनने वाली रेसिपी है ये, आप भी घर में बनाइए, ज़रूर ट्राई कीजिए। हमारा पनीर चिल्ली बनकर रेडी है। प्लीज़ मेरा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। ऐसे ही नई नई रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। थैंक यू।